भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से पुरंदर मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी मिश्रा ने अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा से इंडियन न्यूज ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर उत्तर से हमारे प्रत्याशी बनाया है पुरेंद्र मिश्रा जी को, और वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं, चूंकि पार्टी ने इन पे विश्वास जताया है। मिश्रा जी, सबसे पहले बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आप जो विधानसभा में आपको प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? मैं जगन्नाथ भगवान के आशीर्वाद से, पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेताओं के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, जगत प्रसाद नड्डा जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद करता हूं, अरुण साहू जी को धन्यवाद करता हूं, देश प्रदेश से आए हमारे सभी बड़े नेता को, ओम माथुर जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के उनको, मांडविया जी को, और बहुत सारे जो नेता हैं सबको धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। एक छोटे से कार्यकर्ता को इन्होंने राजधानी से एक सीट दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मिश्रा जी, चूंकि शहर है रायपुर शहर है, यहाँ पर जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे और क्या उनसे क्या कहेंगे? देखिए, पीछे 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो मुद्दे हैं, और ये 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी के जो मुद्दे हैं उनको लेके जाऊंगा मैं। वर्तमान विधायक जो उनके क्रियाकलाप हैं, उत्तर विधानसभा में गड्ढे दिखने को मिल रहे हैं, बिजली की समस्या है, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, नगर निगम टैक्स का मुद्दा है, जो सफाई का पैसा हमसे चार्ज किया जाता है स्पेशल टैक्स करके, इसको कोई नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई। जब हम आपको निगम कर दे रहे हैं, निगम टैक्स देते हैं, तो उसके बाद स्पेशल टैक्स क्या है? और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं जो कि हैं, दुनिया सब जान रही है, उन सब मुद्दों को लूँगा। आप बड़े सर बड़े रोड को छोड़ दीजिए, आप गली में जाइए, नाली साफ नहीं होता, मच्छर भड़बड़ा रहे हैं, कहीं गड्ढे हैं, देखिए कहीं जानवर घूम रहे हैं, गोठान का कोई ठिकाना नहीं है, कई ठो गाय मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, उस सब का जो व्यवस्थित होना चाहिए वो कांग्रेस सरकार ने नहीं कर पाया। हमारे 15 साल का जो कार्य है वो सबको दिख रहा है, उसका धूल झाड़ने का काम भी कांग्रेस सरकार ने ही किया है। वो सब मुद्दे को लेकर मैं जाऊंगा, अभी तो मेरा चुनाव पर प्रचार शुरू नहीं हुआ है, और मैं जाऊंगा, जनताओं का बात सुनूंगा, उनकी समस्या का समाधान करूंगा, और पार्टी ने मुझे को इतना बड़ा दायित्व दिया है उसमें मैं खरा उतरने का। पुरेंद्र जी, एक मिश्रा जी आपसे एक सवाल है, जो उड़िया समाज का जो गाड़ा समाज है वो लगातार विरोध कर रहा है, तो जो वहाँ के जो गाड़ा समाज के लोग हैं जो विरोध कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कैसे उनको मनाएंगे चूंकि आपके समाज से? देखिए, शुरू शुरू में सब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, परिवार में भी होता है, एक परिवार है, कोई समस्या नहीं, उनको सबको समझा लिया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा, और इसमें भी ये कांग्रेसी का ही चाल है भड़का उड़का के करके। लेकिन देखो, आदमी क्या है, हर समाज में कांग्रेस के लोग रहते हैं, बीजेपी के लोग रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन मैं मेरे भाइयों को निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ा मौका मिला है, उत्कल समाज को टिकट मिला है, हम तो हमारे पार्टी के नेताओं को धन्यवाद करते हैं, और ये राजधानी में मिला है, हम सब उड़िया भाई एक होके इस सीट को जीते, तो आने वाले समय में आपको फिर से मौका मिलेगा, मौका मत खोएं, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। ये थे रायपुर उत्तर के प्रत्याशी पुरेंद्र मिश्रा जी, जो इनका कहना है कि पार्टी ने उत्कल समाज को टिकट दिया है, तो समाज एकजुट होकर इनको विजय बनाए। कैमरामैन पप्पू के साथ सतीश बोध, रायपुर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।